आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत का बैरून मुल्क से कमर्शियल मकदार में अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। FVR ने बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को जाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त होगी, दीगर तमाम फोन जब्त कर लिए जाएंगे। $1200 से ज्यादा मालियत की अशिया कमर्शियल तजारत तसव्वुर होगी। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे, शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, आप बताइए तफसील इस हवाले से। देखिए, जाती इस्तेमाल या गिफ्ट की आड़ में ज्यादा माली फायदे के लिए कमर्शियल मकदार में बैरून मुल्क से अशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी आज करने का फैसला किया गया है। बैगेज स्कीम के तहत बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों को अपने जाती इस्तेमाल के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन साथ लाने की इजाजत होगी। एक फोन के अलावा बाकी जो भी मोबाइल फोन होंगे वो जब्त कर लिए जाएंगे। बैगेज स्कीम के तहत $1200 से ज्यादा मालियत की अशिया साथ लाने वाले मुसाफरों की अशिया ड्यूटी, टैक्सों और जुर्मानों की अदायगी पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। $1200 से ज्यादा मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तसव्वुर की जाएगी। FVR ने बैगेज रूल 2006 में तारीम का मुसवदा जारी कर दिया और स्टेक होल्डर से कहा है कि एक हफ्ते में इस पर सिफारशात, आरा या तजावीज दें। मुकर्रर मियाद के बाद मौसूल होने वाली तजावीज या आरा जो है वो कबूल नहीं की जाएंगी। नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद हमें तफसील नागा कर रहे हैं।